हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रियांशी काफी समय बाद अपने कॉलेज के दोस्त श्रेयस से मिलने कॉलेज के सामने वाले पार्क में पहुंचती है। वो बेंच पर बैठी उसका इंतजार कर ही रही होती है कि तभी उसे पास के स्टॉल पर बन रहे पनीर रोल की खुशबू आती है। वो बेंच से उठने ही वाली होती है कि तभी कोई पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर देता है। तभी प्रियांशी कहती है, आ गया कुत्ते, तेरी देर से आने वाली आदत अभी तक नहीं गई। वही तो, तेरी भी मुझे कुत्ता बोलने वाली आदत गई नहीं। कैसी है तू? बस चकास बिंदास हूँ मैं तो। ओ भाई साहब, अपने बारे में कितना भ्रम पाल कर बैठी है तू। ना तू मस्त है, ना झकास है, और बिंदास तो बिल्कुल भी नहीं है। करली बकवास, अब कुछ खिला भी दे। तुझसे मिलने के चक्कर में मैंने कुछ खाया भी नहीं, और तो और आज ऑफिस से भी ऑफ ले लिया। बिल्कुल, मैं खिलाएगा ना तेरे को, अपने हाथों से खिलाऊंगा, बस पैसा तुझे देना होगा। हाय राम, मतलब तू तब भी कंगला था और अब भी। एक कंबोल कंगाल होगा तेरा खसम, वो अभी थोड़ी कड़की चल रही है, वरना पैसे पानी की तरह बहाता हूँ मैं। पानी की तरह बहता है, तभी तो कड़की छा रही है। चल बे गरीब, आज मैं तुझे खिलाऊंगी। जिसके बाद दोनों पास के ही एक रोल के स्टॉल पर जाते हैं और मेन्यू देखने लगते हैं। तभी प्रियांशी कहती है, बोल बे गरीब, कौन सा रोल खाएगा, नॉन वेज या वेजिटेरियन? नास्तिक प्राणी, आज मंगलवार है, इसीलिए नो नॉन वेज, ओनली वेज। यार ये मंगल मेरा अमंगल करने में क्यों लगा रहता है। ठीक है, तो अपनी पसंद से बनवा ले रोल। भैया आप एक पनीर काठी रोल कर दो और एक सिंपल पनीर रोल। कुछ देर बाद दोनों के रोल तैयार होकर उन्हें मिल जाते हैं। तभी प्रियांशी सिंपल पनीर रोल की एक बाइट खाते ही कहती है, यार ये तो चिकन रोल से भी ज्यादा टेस्टी है। अच्छा, क्यों तूने पहले कभी ट्राई नहीं किया क्या? नहीं यार, तुझे तो पता है ना कि मुझे ज्यादातर नॉन वेज खाने की आदत है, तो मैं तो एग रोल या चिकन रोल ही खाती हूँ। ये पनीर रोल तो पहली बार खा रही हूँ, कसम से बड़ा मस्त है। अरे पनीर तो एवरग्रीन है, मुझे तो पनीर की हर डिश मस्त लगती है, और पनीर रोल तो मेरे फेवरेट है। और आज से पनीर रोल भी मेरे फेवरेट हो गए, क्योंकि आज इस मंगल पर पनीर रोल खाकर मेरा दिन मंगलमय हो गया। प्रियांशी के इतना कहते ही श्रेयस हंसने लगता है। कुछ देर बाद दोनों रोल खाकर कहीं और घूमने निकल जाते हैं। शाम को जब प्रियांशी थक हार कर घर लौटती है तो देखती है कि सामने टेबल पर पनीर रोल रखे हुए हैं, और वो झट से उन्हें उठाकर खाने ही वाली होती है कि तभी उसकी माँ सुरेखा उसे टोकते हुए कहती है, रुक जा, रख दे वापस उसे, प्लेट में छोड़ जल्दी। क्या हो गया, आप दूसरा खा लेना, ये वाला रोल मुझे दे दो। रोल? कैसा रोल? अरे घर की सफाई करने के चक्कर में सुबह से कुछ खा नहीं पाई, जरा सा पनीर बचा था फ्रिज में, उसी को भूनकर रोटी में लपेट कर रखा था मैंने, और तू आते ही ठूसने बैठ गई। सॉरी माँ, पूरे दिन भूखी हो तो अब क्या ही खाओगी, समझो आज आपने उपवास कर लिया, क्योंकि इसे खाए बिना तो मैं रहने वाली नहीं। अरे ये स्वाद थी, रुक जा। प्रियांशी सुरेखा की बात नहीं सुनती और पनीर रोल खाकर डकार मारती है, और इससे पहले के सुरेखा का गुस्सा उस पर उतरे वो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है, प्रियांशी पनीर रोल खाने की दीवानी हो जाती है। दिन में चाहे वो एक बार ही सही, लेकिन पनीर रोल जरूर खाया करती। एक दिन ऑफिस में सारा दिन बिजी रहने के कारण वो पनीर रोल खाने बाहर नहीं जा पाती, और रात को जब ऑफिस से निकलती है तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। तभी वो मुंह लटकाए घर आती है। कौन सा सदमा लगा है जो तेरा चेहरा उतरा हुआ है? माँ, आज का पूरा दिन निकल गया और मैंने पनीर रोल नहीं खाया। तो कौन सा बाहर टूट गया? बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जानती तो है तू। हाँ तो घर पर बना दो, वो भी नहीं होता अब से। हाँ तो तुझे खाना भी तो पनीर रोल है, जानती भी है कितना महंगा आता है पनीर, 250 रुपए किलो है। हाँ कि मटर पनीर की सब्जी में पनीर कम और मटर ज्यादा तैरते हैं। अभी हो गया तेरा, तो चल खा ले। क्या पनीर रोल? नहीं, दाल चावल। जा हाथ मुंह धोकर आ, मैं खाना लगाती हूँ। इतना कहकर सुरेखा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन प्रियांशी 2 किलो पनीर लेकर घर आती है और पनीर रोल बनाने की तैयारियाँ करने लगती है। सुरेखा किचन में नाश्ता बनाने आती है तो देखती है कि किचन में इतना सारा पनीर रखा है, जिसे देखकर वो कहती है, हाय मोरी मैया, मुझ गरीब के घर इतना सारा पनीर कैसे आ गया?
प्रियांशी, ये पनीर का भंडार लेकर क्यों बैठी है? क्योंकि आज मैं आपको अपने हाथों के बने हुए पनीर टिक्का रोल का नाश्ता करवाने वाली हूँ। हाय दैया, नाश्ते के लिए इतना पनीर उठा लाई? ला इसमें से 250 ग्राम का बना ले अपना रोल, बाकी का मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अरे माँ, हद हो गई कंजूसी की। 2 किलो पनीर है और आप मुझे बस 250 ग्राम पनीर से रोल बनाने को कह रही हैं? दिमाग फिर गया क्या आपका? हाँ तो यहाँ क्या दावत हो रही है जो 2 किलो पनीर के रोल बनाकर परोस देगी? अरे इतना महंगा और इतना सारा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा तेरा। माँ, मैं पनीर रोल की बात कर रही हूँ, आप लूज मोशन ला रहे हो बीच में। निकलो निकलो आप बाहर और रसोई में मत आना। अरे पर सारा ना डालियो एक बार में, आधा तो बचा ले। तभी प्रियांशी सुरेखा को धकेलते हुए किचन से बाहर कर देती है और वापस आकर पनीर रोल बनाने लगती है। कुछ देर बाद वो एक प्लेट में अच्छे से पनीर रोल परोस कर हॉल में लेकर आती है। तभी हाथ में कटोरी लिए उनकी पड़ोसन मंजू वहाँ आ टपकती है। लो माँ, आ गई मंगतन। अरे सुलेखा, नाश्ता कर रही है क्या? नहीं नहीं आंटी, हम तो बस नाश्ते को देख रहे थे। क्यों? नाश्ता देखकर आपके पेट में चूहे उछल रहे हैं। इतना चप्पर चप्पर करती है तेरी छोरी, कुछ समझाया कर इसे। अरे ये आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं मंजू, तू बता कुछ कहने आई है क्या? हाय मेरी भोली सुलेखा, हाथ में कटोरी लेकर कुछ कहने नहीं मांगने आई थी। सुबह सुबह प्रियांशी को मदर डेयरी पर से पनीर लाते देखा तो सोचा एक कटोरी पनीर लेती चलूं। अरे आंटी जी, पनीर है, दही नहीं जो कटोरी में भर के दे दूं। अरे कटोरी में नहीं तो भगोने में लाकर दे दे, लेकिन दे दे छोरी। हाँ दे दे, क्योंकि लिए बिना तो इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ेगी, और पनीर नहीं देना तो एक पनीर रोल ही दे दे, कम से कम यहाँ से जाएगी तो सही। तभी प्रियांशी कटोरी में 5 पनीर रोल के टुकड़े डालकर उसे पकड़ा देती है और चालाक मंजू प्लेट से एक पनीर रोल उठाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर पनीर रोल का नाश्ता करती हैं और सुरेखा प्रियांशी की तारीफ भी करती है। समय बीतता है, अब जब भी प्रियांशी को पनीर रोल खाना होता तो वो खुद ही बना लिया करती। एक बार वो अपने ऑफिस ट्रिप पर जाती है, जहाँ वो अपने कलीग आशिका के साथ स्ट्रीट फूड मार्केट में जाती है और उसे पनीर रोल की कई वैरायटीज देखने को मिलती है। तभी याशिका अपनी सेल्फी स्टिक में फोन लगाकर ब्लॉगिंग करते हुए कहती है, हेलो गाइस, आज मैं और मेरी दोस्त आए हैं लुटेरी मार्केट की गलियों में, जहाँ का स्ट्रीट फूड इतना टेस्टी होता है कि पता नहीं कितना टेस्टी होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पहली बार आए हैं ना। ये क्या छपरी पंती कर रही है तू? अरे यार, वो मैंने ना फूड ब्लॉग्स बनाना चालू किया है तो बस वही कर रही हूँ। तू कैमरा कॉन्शियस तो नहीं है ना? मैं और कैमरा कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब देख, तेरा आज का ये फूड ब्लॉग मैं शूट करती हूँ ना। इतना कहकर वो फोन अपने हाथ में पकड़ लेती है और एक रोल वाले के पास जाकर कहती है, तो आज हम खाने वाले हैं तंदूरी पनीर रोल, जो मैं तो पहली बार टेस्ट करूंगी ही और याशिका ने भी पहली बार ही खाया होगा। भैया इसी बात पर 2 पनीर रोल लगा दो फिर। भैया थोड़े स्पाइसी रोल बनाना। सो कुछ ही देर में मैं हमारे पनीर रोल जो कि बन के रेडी हो जाएंगे उसे खाने वाली हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। आइए देखिए कि पनीर रोल कैसे बन रहे हैं। ऐसे कुछ देर में दोनों तंदूरी पनीर रोल खाते हुए ब्लॉगिंग करती हैं और साथ में एंजॉय करती हैं और नोमेड ट्रिप से लौट आती हैं। ऐसे ही पनीर रोल खाने के साथ साथ वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज करती है। गणपत सुबह सुबह उठकर बाबू राव की तरह बनकर हाथों में धूपबत्ती लेकर अपने नए टेलीफोन की पूजा करते हुए बोलता है, अरे देवा रे देवा, अभी जल्दी से फोन बजे और मुझे काम मिले रे। गणपत टेलीफोन से बातें कर ही रहा होता है कि तभी टेलीफोन बजने लगता है। गणपत जल्दी से फोन उठाता है और उषा नाम की एक औरत उससे बोलती है, मेरे को देवी प्रसाद से बात करने का है, देवी प्रसाद घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद, ये देवी प्रसाद का घर नहीं है रे। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है, तो कहाँ को गई देवी प्रसाद? अरे देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, घर में नहीं। इतना बोलकर वो फोन रख देता है और कुछ देर बाद उसकी बीवी मेनका नीचे आकर बोलती है, किसका फोन आया था रे गणपत? ओ नहीं रे, अभी तक किसी का फोन नहीं आया। पर उषा मौसी तो बोली थी कि इस टाइम तक फोन करेगी, अभी तक फोन नहीं आया उनका। मेनका ये सब सोच ही रही होती है
कि तभी टेलीफोन फिर से बजने लगता है और एक बार फिर गणपत फोन उठाता है और उषा उसे बोलती है, देवी प्रसाद से बात करने का है। अरे देवा रे देवा, तू कौन है रे बाबा? मैं अभी 10 मिनट पहले तेरे को बोला कि देवी का प्रसाद देवी माँ के मंदिर में मिलता है। देवी प्रसाद का नाम सुनते ही मेनका अपने पति से फोन लेकर उषा से बातें करने लगती है और उसे बोलती है, मासी माफ करना, वो क्या है ना, इनको बाबूराव बनने का शौक है इसीलिए ऐसे बात करता है। कोई बात नहीं, अच्छा मैं किराएदार का बोली थी ना तेरे को, वो शाम को तेरे घर पहुंच जाएगा, ठीक है? ठीक है मासी। इतना बोलकर मेनका फोन रख देती है और गणपत से बोलती है, गणपत तू क्या करता, मासी तेरे को बार बार फोन करके बोल रही है देवी प्रसाद से बात कराने का, तो तू बात क्यों नहीं करवा रहा है मेरे से? अरे देवा रे देवा, तो ऐसे बोलने का ना कि मेनका से बात करने का, मैं सोचा कि देवी का प्रसाद मुझसे मांग रही है। एक कूतरे यार, तू फिर से भूल गया, मेरा राशि का नाम है देवी प्रसाद। हाँ हाँ मैं भूल गया, अब जा अपना काम कर और मेरे को काम करने दे। ए तेरे से ना कोई काम नहीं होगा, तू इधर ही बैठ के ना बस टेलीफोन की पूजा करते रहना, मैं जा रही है। तू जा रे। मेनका अपने पति की बात सुनकर मुंह बनाते हुए किचन में चली जाती है और गणपत अपनी धोती उठाकर घर से बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि उसकी खोली की दो औरतें भोली और डोली पीने के पानी को भरने के लिए लड़ाई कर रही है। उन दोनों को लड़ाई करता देखकर गणपत डोली के पास जाता है और उसे बोलता है, ए क्या हुआ रे, तू काहे को भोली से लड़ रही है? ए, तेरे को क्या मैच दिखती है, भोली नहीं दिखती है, वही लड़ रही थी मुझसे। ए छोड़ रे भोली, तू बता तू इससे काहे को लड़ रही है? गणपत भैया आज तुम बीच में मत आओ, ये हमेशा बीच में आकर अपने पूरे खानदान का पानी भर लेती है और हमें पानी के नाम पर खाली बाल्टी मिलती है। इतना बोलकर भोली गणपत को साइड में करके डोली को धक्का मारती है और डोली उससे बदला लेने के लिए अपनी बाल्टी से लोटा निकालकर भोली को फेंक कर मारती है, पर वो लोटा भोली को ना लगकर गणपत के सर पर जाकर लगता है और गणपत जमीन पर गिरकर अपने सर को पकड़कर भोली से बोलता है, सर फोड़ दिया रे, मार रे साले की खोपड़ी फोड़, तोड़ खोपड़ी साले का। गणपत के कहने पर भोली डोली का लोटा लेकर उसको मारने के लिए फेंकती है, तभी गणपत खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से गणपत के सर पर जाकर वो लोटा लगता है, जिस पर गणपत भोली से बोलता है, अरे मेरी नहीं रे बाबा, इसका खोपड़ी तोड़, इसका तोड़ने को बोला रे। बाहर से आते शोर की आवाज सुनकर मेनका घर से बाहर आती है और गणपत को सर पकड़कर बैठा देखकर भोली से बोलती है, ए काय साला रे, इतना शोर काय को मचा रखा है पूरी खोली में, और गणपत तू सर काय पकड़ के बैठा है? मुझसे क्या पूछती है, इस डोली से ही पूछ, इसी ने गणपत भैया का सर फोड़ा है। क्यों रे, तूने मेरे आदमी का सर फोड़ा, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती है। मैंने अकेले तेरे मरद का सर नहीं फोड़ा, यकीन नहीं आता तो खुद उससे पूछ ले। उन दोनों की बात सुनकर मेनका गणपत को अंदर लेकर जाती है और उस पर भड़कते हुए बोलती है, पहले तो मेरे को लगा था कि तू सिर्फ नाम का गणपत राव वापते है, लेकिन नहीं तू तो पूरा का पूरा बाबू राव बन गया है, क्या जरूरत थी उन दोनों की लड़ाई में घुसने की? ये गणपत का स्टाइल है रे बाबा, मैं उनकी लड़ाई रोकने के लिए बीच में गया था, समझा? रोक ली लड़ाई, उल्टा सर फटवा के और आ गए। मेनका गणपत को खरी खोटी सुना ही रही होती है कि तभी उसके घर पर धोती पहने हुए माथे पर टीका लगाकर और चोटी को सहलाते हुए हाथों में पेटी लेकर कन्हैया नाम का एक आदमी आता है और अपनी पेटी को छोड़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर गणपत और मेनका से बोलता है, राम राम, हमें उषा मैडम ने भेजा है किराएदार के लिए। अरे कौन उषा मैडम, मैं किसी उषा मैडम को नहीं जानता। अरे क्या कर रहा है, यही छपना नया किराएदार है, तू इसकी बात का बुरा मत मान, ये ऐसे बोलता है, खुद को बाबू राव समझता है ना, इसलिए तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को कमरा दिखाती है। यही मेरा घर है, मैं किसी को नहीं रहने दूंगा, तू जा रे यहाँ किसी कहीं और कमरा ढूंढ। पर मुझे तो उषा मैडम ने बताया था कि आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हैं, जो सबकी मदद करते हैं, मुझे भी रूम देकर एहसान कर दीजिए। अरे दरिया दिली तो मैं है रे, पर अभी मेरे दिल में बाढ़ आ रहा है, अब तू चल रे, चला जा, जब बाढ़ जाएगा ना तब आने का, समझा? ए तू क्या करता रे, तू काहे को बाबू राव बन रहा है? क्योंकि मैं बाबू राव हूँ, इसलिए मैं बाबू राव बन रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँ या? हाँ हाँ तू जा निकल,
मैं सच में चला जाऊंगा, फिर बाद में पछताओगे कि हर महीने किराया नहीं आ रहा। ए तू जा रे। मैं सच में जाऊं? अरे तू जाता है या? जाता हूं, जाता हूं। कन्हैया अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद मेनका उसे बोलती है, ते मुश्किल से तो किराएदार मिला था, उसको भी भगा दिया तूने। हाँ मैंने उसको भगा दिया तो यही चकी अब पैसे किधर से आएंगे? मेनका के ये पूछते ही गणपत अपने टेलीफोन पर हाथ रखता हुआ उससे बोलता है, अरे काम और पैसा यहाँ से आएगा रे पगली, मैंने ये टेलीफोन इसलिए लगाया, समझी क्या? इधर इससे आया था वो किराएदार भी। अच्छा मेरे को लगा तेरी मासी की ओर से आया था, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। अपने पति की बात सुनकर वो उस पर गुस्सा हो ही रही होती है कि कन्हैया फिर से घर आता है और अपनी पेटी को नीचे रख के उनसे बोलता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसी घर में किराए पर रहूँगा। ठीक है, तुझे इसी घर में किराए पर रहने का है ना? हाँ। तो तुझे किराया उषा को ना देकर सारा मुझको ही देना पड़ेगा, बोल मंजूर है? अगर मंजूर है तो फिर किराए का कमरा मिलेगा। मंजूर है। ठीक है रे बाबा, अब तू घर से बाहर निकल, घर से लिफ्ट लेना, वहाँ तुझे कमरा दिखेगा, वो कमरा तेरा, पर आ रे पहले पैसा दे। कन्हैया उसको 2 महीने का एडवांस देकर बाहर वाले खोली में चला जाता है। ये सब देखकर मेनका उसे बोलती है, ये सब क्या है रे गणपत? ये गणपत राव का स्टाइल है, गणपत राव आपटे का स्टाइल। पुनीत एक जवान लड़का था जो कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ना देने के कारण कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगा था। एक दिन वो थका हारा काम से घर आता है और घर आकर अपनी पत्नी साक्षी को आवाज लगाकर बोलता है, अरे साक्षी जरा पानी का ग्लास लाना, बहुत प्यास लगी है। साक्षी उसको रसोई से जवाब देते हुए बोलती है, अरे यार मैं काम कर रही हूँ, आ जाओ ना लेने। यार मैं थक गया हूँ और मेरे पैर भी दर्द कर रहे हैं, प्लीज आकर दे दो ना। आ रही हूँ बुड्ढे कहीं के। साक्षी पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है और ग्लास पुनीत को देते हुए बोलती है, अरे मेरे बुढ़े पति, उठकर पानी का एक गिलास तक नहीं लिया जाता। बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, मैं जवान हूँ, वो तो बस आज बहुत काम किया इसलिए पैर दर्द करने लगे। अरे जाओ ना, बुढ़ों की तरह तुम्हारे घुटनों में अभी से दर्द होने लगा है। वैसे भी आपकी वजह से मेरी सहेलियाँ मुझे चिढ़ाती हैं कि मेरी शादी बुढ़े से हो गई। बस भी करो यार, मैं कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं हूँ और ये बार बार मुझे बूढ़ा बोलना बंद करो। नहीं जी, आप बुढ़े हो, मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया। साक्षी अपने पति को चिढ़ाई ही रही थी कि तभी उसकी सास शांति वहाँ आती है और अपनी बहू की बात का जवाब देते हुए बोलती है, अरे मेरा बेटा कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं है, समझी, अभी तो उसकी माँ ही जवान है, तो वो कहाँ से बूढ़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, आपकी जवानी तो कभी जाएगी ही नहीं, अंडे में ही खुड़क रहे हो अभी तक तो आप। अरे बहू क्या बोल रही है मनी मन में, पक्का मुझे गाली दे रही होगी। नहीं नहीं माँ जी, मेरी इतनी मजाक, मैं आपको गाली दूँ? तौबा तौबा। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा ड्रामे मत कर और खाना लगा दे। जी लगा रही हूँ माँ जी। हाँ वैसे भी बुड्ढे शरीर को खाने के बिना ताकत थोड़ी ना मिलेगी। साक्षी सबके लिए खाना लगाती है और फिर पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, जिसके बाद में सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन साक्षी अपने पति से बोलती है, सुनो ना, आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलो प्लीज। यार मेरे से नहीं चला जाता, ऊपर से तुम अपने शॉपिंग बैग्स भी मुझसे ही उठवाओगी। साफ साफ बोले ना, बुड्ढे हो तो इसीलिए तुमसे भारी चीजें उठाई नहीं जाएंगी, इसीलिए नहीं जाना तुम्हें मेरे साथ। कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं हुआ मैं, चलो तैयार हो जाओ। साक्षी एक बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन के तैयार हो जाती है। जैसे ही पुनीत की नज़र साक्षी पर पड़ती है तो वो बोलता है, ओहो मेरी सारी जवानी तो तुमने चुरा ली, इसीलिए तो मैं बूढ़ा और तुम जवान हो गई। रहने दो आप, अपने बुढ़ापे का इल्जाम ना मेरे सर पर मत मंडो, अब चलो भी घर भी वापस आना है, हमें देरी हो जाएगी। दोनों पति पत्नी शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं, जिसके बाद साक्षी वहाँ से बहुत सारी ड्रेसेस लेती है और बहुत सारे बैग्स पुनीत को पकड़ा देती है। दोनों गाड़ी खराब होने की वजह से पैदल घर आ रहे होते हैं। साक्षी खाली हाथ आगे आगे चल रही थी तो पुनीत सारे शॉपिंग बैग उठाए पीछे पीछे धीरे धीरे चलता है। तभी कुछ गुंडे रास्ते में साक्षी को देखकर बोलते हैं, अरे मैडम आप अकेली कहाँ जा रही है, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम छोड़ दे। ओ हेलो तमीज से, पीछे मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, बकवास की ना तो यहीं सूद देंगे। वो गुंडे पीछे देखते हैं तो उनको एक आदमी बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पकड़े हुए दिखता है।
जिसके बाद वो साक्षी से बोलते हैं, अरे मैडम, आपके जैसे कम से नसीना को हम जैसे गबरू की जरूरत है, इस जैसे बुड्ढे की नहीं। अबे साले, बुड्ढा होगा तेरा बाप, खबरदार मेरी बीवी को छेड़ा तो। मेरा बाप तो बूढ़ा ही है, तेरे जमाने का जो है। सभी गुंडे पुनीत का मजाक बनाते हुए हंसने लगते हैं। तभी साक्षी बोलती है, ओ हेलो, मानती हूँ कि मेरे पति बुड्ढे हैं, पर अक्सर पुरानी हवेली में ही कीमती सामान छुपा होता है, समझे? अरे इनके अंदर कौन सा खजाना छुपा होगा, कहो तो चार भी निकल ले। अब तुम बाहर वालों के सामने मेरी बेइज्जती करोगी क्या? अरे मैंने तो आपकी तारीफ की है। हाँ हाँ, पुरानी हवेली जैसा दिखता हूँ क्या मैं? ऐसा ही था तो किसी नए बंगले या फ्लैट से शादी कर लेती। सच कहते हैं लोग, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे बुड्ढों को जवान बोल दो तो वो उन्हें पचता नहीं। पर तुमने तो मुझे जवान कहा ही नहीं, पुरानी हवेली कहा है। मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे चक्कर में मेरी सारी जवानी ऐसे ही जाया हो रही है। साक्षी और पुनीत का झगड़ा देखकर गुंडे एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद में एक गुंडा बोलता है, इससे पहले कि ये दोनों मियां बीवी हमारा दिमाग खराब कर दे, निकल लो यहाँ से। साक्षी और पुनीत के झगड़े से बेचारे गुंडे भी डर के वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों लड़ते लड़ते घर आते हैं, जहाँ उनकी आवाज़ सुनकर शांति बोलती है, आए हाय, क्यों कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ रहे हो? माँ देखो, जब से इसने मुझे बुड्ढा बुड्ढा बोलना शुरू किया है, सबको मैं बूढ़ा ही दिखने लगा हूँ। पुनीत अपनी माँ से साक्षी की शिकायत कर रहा होता है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन माया आकर बोलती है, शांति बहन, बुरा न माने तो एक बात कहूँ, अभी जब तेरे बहू बेटा घर के अंदर आ रहे थे ना, तो साक्षी बहू और उसे देखकर लग रहा था जैसे वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि अपने पिता के साथ आ रही हो। अरे पुनीत बेटा, तुम तो समय से पहले ही बड़े हो गए। आंटी जी, आपको लोगों के घरों में जाकर उंगली करने के सिवा कोई और काम नहीं है क्या? अब मेरा पति मेरे साथ आता हुआ बुड्ढा लगे या जवान, इसमें आपको क्यों मिर्चियाँ लग रही हैं? अरे मैं तो बस ऐसे ही बातचीत करने आई थी। अच्छा शांति बहन, मैं चलती हूँ। माया के जाते ही पुनीत उसकी बात का गुस्सा करके अपनी माँ से बोलता है, देखा माँ, अब तो बाहर वाले भी आकर बोलने लगे मैं बूढ़ा हूँ, ये सब साक्षी ने स्टार्ट किया था। अरे बेटा बोलने दे, बोलने से तू हो थोड़ी जाएगा। हाँ हाँ, माँ जी को भी आप बुढ़े लगते हैं, जब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला बल्कि आपको ही समझ नहीं आ रहा कि आप बुढ़े हैं। कोई नहीं, मैं बूढ़ा ही सही हूँ, जाओ तुम अपनी जवानी दिखा के कोई और फंसा लो। पुनीत गुस्से में सारे शॉपिंग बैग्स वहीं फेंक कर अंदर कमरे में चला जाता है। उसको ऐसे गुस्से में देखकर शांति बोलती है, बहू देख, मजाक मजाक में तूने पुनीत को गुस्सा कर दिया। अरे माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं उनको मना लूंगी। इतना बोलकर साक्षी भी सारे बैग्स उठाकर कमरे में आ जाती है, जहाँ पुनीत को सोता हुआ देखकर वो उसके पास जाकर बोलती है, पुनीत जी गुस्सा हो क्या? तो नाचूंगा क्या, बात बात पर बूढ़ा है बोलोगी तो चिढ़ तो होगी ही ना, और तुमने खुद को मेंटेन किया हुआ है इसलिए तुम जवान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बूढ़ा बूढ़ा बोलकर नीचा दिखाओ। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको नीचा नहीं दिखा रही थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आई नो मजाक थोड़ा सा भद्दा था, लेकिन मेरी अटेंशन आपको गलत प्रूफ करने की या फिर आपको हर्ट करने की नहीं थी। अब माफ़ी मांगने से क्या होगा, सब जगह तो ढिंडोरा पिटवा ही दिया है तुमने कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम जवान। अरे तो आप ही अपने आप को मेंटेन रखो ना, अच्छे से खाओ, जंक फूड अवॉइड करो, और ये जो तुम सारा दिन सोफे पे पसरे रहते हो ना, इसे कम करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, फिर देखना तुम मुझसे भी ज्यादा यंग लगोगे। एक बार और अगर तुमने मुझे बूढ़ा कहा तो देखना। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, मैं आपको बोलना छोड़ दूंगी। ठीक है बाबा, लेकिन उसके बाद कभी नहीं बोलोगी, ना किसी को बोलने दोगी। और किसी की मजाल है इतनी, मेरे सिवा जो आपको बुड्ढा बोल दे? अरे अगर बोल दिया ना तो मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। और उस गुंडे को मैंने कैसे जवाब दिया था याद है ना? हाँ हाँ, रहने दो, पुरानी हवेली कहा था तुमने। अच्छा बाबा, नई हवेली हो आप, तुम सुधरोगी नहीं ना? ना, लेकिन आई लव यू सो मच मेरे बुढ़े पति। रुको, तुमको मैं बताता हूँ इस बूढ़े में कितनी जान है। पुनीत साक्षी के पीछे भागता है और दोनों की ये खट्टी मीठी तकरार हमेशा यूं ही बनी रहती है, लेकिन अब पुनीत रोज उठकर एक्सरसाइज करने लगता है, जिससे कुछ टाइम में उसका बड़ा हुआ पेट भी अंदर हो जाता है और वो साक्षी की बदौलत एक फिट और फाइन इंसान बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।